तखतपुर के छतौना का हाई स्कूल अपनी ही दुर्दशा के आंसू रो रहा है। शासन शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, पर छतौना गांव के ग्रामीण ही स्कूल परिसर में कब्जा कर शिक्षा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। छतौना का हाई स्कूल का निर्माण हुए बरसों बीत गए हैं। सूत्रों के अनुसार स्कूल को करीब 10 एकड़ की जमीन आवंटित की गई थी, पर हाईकोर्ट खुलते ही छतौना की जमीन का भाव आसमान छूने लगा। इसी फेर में ग्रामीण सरकारी जमीन पर अंधाधुंध कब्जा करने लगे। पूरे गांव की सरकारी जमीनों में बेजा कब्जा कर लिया गया। वहीं स्कूल के 10 एकड़ जमीन पर भी कब्जा शुरू हो गया। प्रारंभ में स्कूल प्रबंधन ने बेजा कब्जा का विरोध किया था, पर ग्रामीणों के उग्र रवैये से शाला प्रबंधन भी खामोश हो गया। हालांकि कई बार कलेक्टर सहित आला अधिकारियों के समक्ष बेजा कब्जा की शिकायत की गई, पर बेजा कब्जा हटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। यहाँ का लोग टीचर से पता चला कि यहाँ की स्थिति कैंपस के मामले में बहुत कमज़ोर है। जब तक हमारा कैंपस अच्छा नहीं होगा, हम अच्छी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें एक अच्छी व्यवस्था के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कैंपस बेजा मुक्त हो जाए, और यहाँ पर जो आसपास हैं वो लोग उनमें अवेयरनेस आ जाए कि ये पढ़ाई है, यहाँ पर ये विद्या का केंद्र है, और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं, जैसा पता चला है कि लोग शराब पी रहे हैं, बोतल तोड़ रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना हो तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ के लोगों से ये अपेक्षा करूँगी, सरपंच से अपेक्षा करूँगी, यहाँ के लोगों से अपेक्षा करूँगी कि ये उनके ही बच्चे संस्था में पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा एक माहौल बनाए, ऐसा हमको सहयोग करें कि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, बस यही मैं कहना चाहूँगी। बाउंड्री वॉल खुली होने के कारण असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में ही शराब व जुआखोरी करते हैं। कई बार स्कूल के अंदर घुसकर असामाजिक तत्वों के द्वारा गाली गलौज व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत भी संबंधित थाने में की गई थी। यहाँ पर करीब 11 साल से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं इस मामले में, कई बेजा कब्जा जो है और गुंडागर्दी है, नशा है, इन सब चीज़ों से। और कई बार मैंने गुहार भी लगाई और बहुत सारे मैंने न्यूज़पेपर्स में भी बताया और लेटर्स बना के मैंने ऊपर तक पहुंचाया कि हम लोग, हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। बाउंड्री वॉल ठीक से पूरी ना होने के कारण असामाजिक तत्व हमारे स्कूल में घुस आते हैं और डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं। हमें बार बार पुलिस को बुलाना पड़ता है और पुलिस से मदद लेनी पड़ती है। पुलिस ने हमें काफ़ी मदद की है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वारदात के समय पुलिस पहुंच जाए। हम लोगों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ जा रहा है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ से बेजा कब्जा जो है वो ना भी हटवाएं, तो आगे का बेजा कब्जा ना हो जाए, इसको ध्यान दें अगर सरकार, तो मैं उनको बहुत ही ज़्यादा, मैं हम सभी पूरा शिक्षक परिवार जो है उनका धन्यवाद करेगा। बेजा कब्जा होने के कारण असामाजिक तत्वों का स्कूल परिसर में आना जाना लगा रहता है। स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं, जिन्हें आए दिन खराब माहौल के चलते मायूस होना पड़ता है। क्या क्या होता है? हम स्कूल आते हैं तो गेट के पास तंबाकू वगैरह रहता है, जला वाला रहता है, कचरा इधर उधर रहता है। यहाँ के लोग स्कूल को तोड़ फोड़ करते हैं, खिड़की विड़की टाइल्स वाइल्स निकाल के ले जाते हैं, और बहुत कचरा वचरा फैलाए रहते हैं। और यहाँ हम लोग के ग्राउंड में सभी लोग अपना अपना लकी घर बनाने लगे हैं, तो हमें खेलते नहीं बनता, हमारा ग्राउंड पूरा गंदा कर देते हैं। था वो गाली गलौज करके दो लड़के को मारे थे, और एक बार एक और लड़का आया था जो क्लास में वही गाली गलौज किए पिए थे, या कुछ ना कुछ फेंक फेंक के जा रहे थे। और बहुत जो बाहर के लड़के रहते हैं हम लोग पत्थर वत्थर फेंकते रहते हैं, और कुछ नहीं, और वृक्षारोपण सब कुछ जितना हम लोग लगाते हैं पेड़ पौधे, उसको उखाड़ उखाड़ के ले जाते हैं। और यहाँ कि यहाँ कुछ नहीं है, पूरा घेराया भी नहीं है, और कुछ नहीं। बालिका शिक्षा बालिका रक्षा के संबंध में शासन के द्वारा जनचेतना का आयोजन किया जाता है, पर उच्च न्यायालय से लगे हाई स्कूल में हो रहे इस अनैतिक कृत्यों पर कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा है। मजबूरी में शिक्षिका व विद्यार्थी पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता है अब सरकारी आदेशों का, जिसके चलते छतौना के इस स्कूल का बेजा कब्जा हट सके और एक बार फिर बिना डर भय के शिक्षा का समुचित विकास हो सके। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।